अहादीस मुबारका की रोशनी में शब बरात की क्या अहमियत है, क्या इस रात की इबादत ठीक है? शब बरात का रोज़ा रखा जाता है, उसकी सही हैसियत क्या है? शब का रोज़ा तो कभी होता ही नहीं, ये आपने शब बरात का रोज़ा कैसे लिख दिया? शब रात को कहते हैं ना, शब बरात जो है इसको कहा गया है इसलिए कि उनका ख्याल है कि इस रात में अल्लाह ताला बहुत से लोगों को इसका को बख्शता है। बरात अल्लाह ताला जहन्नम से उनको रुस्तगारी अता फरमाता है। इसके ज़िम्न में जो सही अहादीस है सिर्फ एक है और वो ये है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है कि एक रोज़ हुज़ूर की मेरे यहाँ शबबाशी का की बारी थी, लेकिन मेरी रात को आँख खुली तो हुज़ूर नहीं थे मौजूद, तो मुझे तशवीश हुई कि आप कहाँ गए, तो मैं ढूंढती हुई वो या किसी और को आपने भेजा, बहरहाल मुझे पूरी तफसील याद नहीं है, तो मालूम हुआ कि आप जन्नतुल बकी में गए हुए हैं और वहाँ पर इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं अल्लाह से और तमाम जो भी वहाँ पर मुर्दे दफन हैं उनके लिए मग़फ़रत की दुआ कर रहे हैं। बस ये साबित है। बाकी अब इसमें जो है हिंदुओं से हमने मांग ली दिवाली, तो दिवाली जो है वो रोशनी की जा रही है और बत्तियां जलाई जा रही हैं, तो मुख्तलिफ लोगों से हमने बोरो की हैं चीज़ें, जैसे ईद मिलादुलनबी है वो हमने क्रिश्चियन से बोरो कर ली है, या शियों के ताज़ियों का तोड़ करने के लिए हमने बात बना ली। अब इसमें जो है रोशनियाँ की जा रही हैं, ये दिवाली का गोया कि हमने तोड़ फराहम किया है या उसका उसकी नकल हम कर रहे हैं, ये चीज़ें नहीं। अलबत्ता नमाज रात की इबादत तो हर रात में बहुत आला है। चलिए अगर और दिनों में नहीं होता इस रात को आपको, क्योंकि हुजूर ने भी इस्तिग़फ़ार किया ख़ास तौर पर जाकर जन्नतुल बकी में, तो अगर आप भी करें नमाज पढ़ें और इस्तिग़फ़ार करें तो क्या है, बहुत अच्छी बात है, इसमें तो कोई हर्ज की बात है ही नहीं। लेकिन इसे कोई त्यौहार की तरह मनाना, पटाखे छोड़ना और जो है वो रोशनी करना, ये भारत सही नहीं है। रोज़ा भी चूंकि पंद्रहवीं शब होती है, पंद्रहवा दिन होता है, फिर इस एतबार से हुजूर के मामूलात में था कि आप हर महीने की 13, 14, 15 तारीखों में रोज़ा रखते थे। तो अगर आप ये नियत करके रोज़ा रख लेते हो क्या कहने हैं, नूरुल आला नूर है, और रोज़ा किसी वक्त भी नफली रोज़ा रखा जाए अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा।